दोस्तों क्या आपको पता है कि Amazon अपने एनिवर्सरी पे iPhone 11 दे रहा है। इसे लेने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो बिना वक्त जाए कि इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या शो हो रहा है। वेलकम टू Amazon एनिवर्सरी गिव अवे। और यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आपको देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू नो Amazon, यानी कि आप Amazon को जानते हैं? तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे एज पूछा जाएगा, जो भी एज है आप उसे सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, What do you think about Amazon? आप Amazon के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? तो आप Amazing पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या शो रहा है, क्या आप हमें अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे? तो यहाँ पे यस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके आंसर को चेक किया जा रहा है। ये देखिए बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों क्या दिखा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर आंसर्स हैव बीन सक्सेसफुली सेव्ड, यानी आपके आंसर को सेव कर लिया गया है। ये देखिए दोस्तों दूसरे बॉक्स में मिला iPhone 11। अब आप जीत चुके हैं iPhone 11। ये देखिए दोस्तों बधाइयां मिल रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे ओके करना है आपको। दोस्तों सबसे पहली बात, मैं अपने चैनल पे वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबका भला हो, किसी का नुकसान ना हो। और ये जो वीडियो है कि आपको आईफोन फ्री में मिल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है मेरे भाई। रुके आप जाए नहीं। अगर आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी तो आपका फायदा का तो पता नहीं, लेकिन नुकसान जरूर हो सकता है। दरअसल ऐसे मैसेज व्हाट्सएप पे आते हैं ढेर सारे, जिसमें लोग दावा करते हैं कि आपको सचमुच फ्री में मिल रहे हैं। ऐसे मैसेज एक मजाकिया तौर पे होते हैं, लेकिन उसमें उसी का फायदा होता है जो वेबसाइट क्रिएटर होता है, उसी का। आपने नोटिस किया होगा कि ईद स्पेशल पे, या फिर आपने देखा होगा कि किसी नेम से अपना नाम डालो और ऐसे कंग्रेचुलेशन करके, मतलब एक डेकोरेटेड टाइप में आता है एक पेज, वैसा बना लें। आपने नोटिस किया होगा कि नीचे में एडवर्टीजमेंट शो होती है। उस एडवर्टीजमेंट से उस वेबसाइट ऑनर का इनकम होता है। आपका क्या जा रहा है? कुछ नहीं, लेकिन आपका बहुत कुछ जा सकता है। सबसे पहले ये हुआ कि उसका इनकम का जरिया हुआ। दूसरी चीज़ ये तो नॉर्मल है, चल जाएगा एक तरीके से, क्योंकि लोगों का अपना नाम का बड़ा शौक होता है। लेकिन इसी माध्यम से आपके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है, अगर आपकी यही आदत रही तो। क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आपको फ्री में टी शर्ट मिल रहा है, या फिर आईफोन मिल रहा है, या फिर भारतीय यूजर्स को 3 महीने का फ्री में रिचार्ज दिया जा रहा है। और पढ़े लिखे लोग भी मैसेज कर रहे हैं कि जियो का रिचार्ज फ्री में मिल रहा है। आपके पास भी ऐसा मैसेज आया होगा। दरअसल होता यह है कि इन लोगों का मकसद होता है अपने वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट दिखाना, ताकि वो कमाई कर सके। दूसरी चीज ये कि कुछ वेबसाइट्स आपसे डेटा लेती हैं, जो कि वो डेटा बेच देती हैं, वो भी कमाई का ही जरिया हुआ। और तीसरी चीज जो है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक इसलिए है क्योंकि आपका जो फोन है, उसी फोन के माध्यम से, उसी व्हाट्सएप के माध्यम से जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, तो उसी लिंक के जरिए आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है, या फिर आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स, जैसे फेसबुक या ट्विटर, लिंक्डइन, कोई भी आपका सोशल नेटवर्क साइट पे जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है। इसलिए ध्यान में रखें इस बात को कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। फ्री के चक्कर में आपको कुछ चीजें चुकानी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी वो चीज फ्री नहीं होता। इसलिए कभी भी फ्री के चक्कर में ना पड़े। हालांकि इन सब चक्कर में पड़ के आपका कुछ नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा, लेकिन फायदा कभी नहीं होगा। इसलिए ध्यान में रखें इस बात को कि कभी भी कोई भी चीज फ्री करके आए उसको इग्नोर करें। अगर आपको डर है कि कहीं मेरे बैंक अकाउंट कहीं हैक ना हो जाए, बैंक अकाउंट को हैक होने से कैसे बचाएं, हैकर्स लोग क्या क्या दिमाग लगाते हैं, वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद जाके देखें इस वीडियो को, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेधावी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।